हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। तो गाइस, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके लिए लेकर चुका हूं एक ट्राइपॉड। जी हां दोस्तों, अगर आप लोग ट्राइपॉड क्लास में तो आप लोग बहुत सही जगह पर आए। ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाली है। आज की इस वीडियो के अंदर मैं दिखाने वाला हूं एक टाइगॉट का 33 छांचल एल्युमिनियम ट्राइपॉड। जी हां दोस्तों, जो कि भाई मैंने मंगाया यूट्यूब की अर्निंग यूट्यूब से इनकम से मंगाया है। अभी तो फिलहाल भी नहीं है, मजाक कर रहा हूं यार। यूट्यूब से नहीं मंगाया भाई, अपने पैसे से मंगाया यार। ट्राइपॉड जो है वो कैसा है, उसका एक्सपीरियंस मैं आपके साथ पूरा शेयर करने वाला हूँ वीडियो के अंदर। तो प्लीज़ वीडियो पर लास्ट तक बने रहना, तभी आपको पता चल पाएगा कि ट्राइपॉड जो है वो यूज़फुल है कि नहीं आपके लिए। अगर वीडियो तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखना। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल पर ना तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना। फटाफट से वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो गाइस यार, आप दिखाते हैं आपको ट्राइपॉड। यहाँ पर हमारे पास में ट्राइपॉड देना भाई, ये देख सकते हैं आप लोग कुछ इस तरीके की पैकिंग में आता है ट्राइपॉड। यहाँ पे लिखा है 33 छांचल ट्राइपॉड, कुछ इस तरीके से अंदर आपको मिल जाएगा। लेकिन इसका कलर जो होगा गाइस वो मंगाया मैंने ब्लैक कलर का। यहाँ पे आप लोग अच्छे तरीके से देख लो, कुछ इस तरीके की भाई चाइनीज भाषा में लिखा है यार, ये मेड इन चाइना का प्रोडक्ट है। मैं इसका सपोर्ट तो नहीं करता हूँ, लेकिन अगर आपको लेना हो तो भाई ले सकते हो, कोई प्रेशर नहीं है यार। वैसे इंडिया के हो तो इंडिया ही कर लो यार। मैंने मंगा लिया आपको एक तरीके से दिखाने के लिए। बाकी कुछ इस तरीके की इमेज दी है अंदर, सब इसको देखते हैं कैसा रहता है। यहाँ पर भाई इसको रखते हैं किनारे। गाइज यहाँ पर आपको मिल जाता है कैरी बैग, जो कि अगर आप लोग आउटडोर शूट पे जा रहे हैं तो भाई ये आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है। इसको आप ऐसे पीछे कैरी करके जा सकते हैं बहुत ही आसानी से। यहाँ पर सबसे पहले मिलता है हम लोग को एक होल्डर, जो कि आप लोग देख सकते हो कुछ इस तरीके से भाई, मुझे लगता है इस तरीके से बड़ा भी होता है। यहाँ पर आपको ये होल्डर मिल जाता है भाई। होल्डर की क्वालिटी मुझे कुछ अच्छी नहीं लगी यार, चूतिया बनाया तुमको। इससे आगे देखते हैं क्या मिलता है। यहाँ पर गाइज कुछ इस तरीके से मिल जाता है हमको ट्राईपॉड, इसको रखते हैं किनारे। ये ट्राईपॉड जो है भाई बहुत ही आपके लिए यूजफुल होने वाला है। आप लोग देख सकते हो कि इस तरीके से भाई ट्राईपॉड है। अगर आप लोग को भाई बैठ के वीडियो बनानी तो इतना बड़ा आपके लिए सही रहेगा, लेकिन आप लोग को मैं इससे बड़ा करके दिखा सकता हूँ उसको। यहाँ पे इस तरीके से आप लोग देख सकते हो, ये क्लिप जो है इसको लॉक करना पड़ता है। और इस तरीके से एक बार और ये इसको ओपन करते हैं, इसको फिर ऐसे लॉक कर देंगे, नहीं तो ये भाई खुल जाएगा। इस तरीके से हमको सब में करना पड़ेगा। यहाँ पर इसको ऐसे लॉक, और ये भी लॉक हो गई। पर आप लोग देखो ये कुछ इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं। पीछे से दिखाओ जरा एक बार इसका साइज कैसा है। गाइज यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, इसको मैंने भाई पूरी तरीके से ओपन कर दिया। अभी बस इसका एक चीज और ओपन करना बाकी है। आप लोग साइज देखो यार इसका, एक बार पास आना जरा। यहाँ पर आप लोग को मैं दिखाता हूँ, पास से देखो जरा। यहाँ पर गाइज कुछ इस तरीके से हम लोग को हैंडल मिल जाता है। पहले से इसको हम लोग को यहाँ से ढीला करना पड़ेगा, उसके बाद ये जो हम लोग ऐसे 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 इसको ऊपर की तरफ भी ले जा सकते। मस्त प्लान है गाइस, ये भी और बड़ा होगा। आप लोग देखो यार ये मस्त है यार एकदम। इसके बाद हम लोग को यहाँ पर एक स्क्रू आपको देखने को मिल जाएगा। इस स्क्रू को हमको टाइट भी करना पड़ेगा। यहाँ पर हमने इसको टाइट कर लिया, अब इससे ज्यादा ऊपर नहीं होगा गाइस। और यहाँ पर जो है आप लोग वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल हर तरीके से वीडियोस को शूट कर सकते हैं। यहाँ पर भी इसको ढीला कर सकते हैं भाई। काफी अच्छा ट्राईपॉड है, इसकी क्वालिटी मस्त है भाई। ये एल्युमिनियम मेटल का बना है पूरा, और उसके बाद इसको जो है ढीला करना है तो ढीला भी हो जाएगा। आप लोग एक बार इसको देखो यार, मस्त है बिल्कुल, एक नंबर का एल्युमिनियम मेटल का दिया गया है। और यहाँ पर आप लोग ग्रेविटेशनल की वजह से यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे इसको कैरी भी कर सकते हैं यार, मस्त है। और यहाँ पर जैसे हम लोग अगर उठा के दूसरी जगह ना, यहाँ पे हम लोग को हैंडल मिल जाता है। गाइस यार इसका जो है माउंट लगाते हैं होल्डर जो है, ये गाइस पूरी तरीके से टाइट हो चुका है। अब यहाँ पर हम लोग उसको फ्रेम लगा के सामने का जो है भाई अच्छे तरीके से सूट ले सकते हैं। बाकी अभी यहाँ से मैं आपको बता ही दिया है। और यहाँ पर गाइस यहाँ पर आपको मिल जाता है एक बबल टाइप का, इसके अंदर पानी भरा हुआ है। ये आपको बताता है कि हमारा जो ट्राईपॉड है वो बैलेंस्ड है कि नहीं। अगर बीच में बिल्कुल सेंटर में तो समझ जाए ट्राईपॉड आपका बैलेंस है, और बाकी आप अपने हिसाब से एडजस्ट भी कर सकते हैं इसको। तो गाइस आप दिखाते हैं आपको कुछ इसके सिनेमैटिक शॉट, जिससे आपको भाई हर एंगल से दिखा सके, ताकि आपको ज़्यादा क्लियर हो ये आपको परचेज करना चाहिए या फिर नहीं। तो अब गाइस बारी है इसके सिनेमैटिक शॉट्स दिखाने की।
दोस्तों यहाँ पर जो है कुछ ट्राइपॉड इस तरीके से छोटा भी हो जाता है, यहाँ पर इसके नीचे दिए गए हुए ये तीन आराम से रखने के लिए। बाकी भाई मेरे हिसाब से तो ट्राइपॉड सही, अगर आप लोग को अच्छा लगे तो ही लेना। इसका अगर प्राइस मैं आपको बता दूँ, प्राइस अगर इसका 649 रुपये जो कि फ्लिपकार्ट पर है, मैंने फ्लिपकार्ट से मंगाया इसको, मैं इसका लिंक दे दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन पर, आप लोग वहाँ से परचेज कर सकते हो। बाकी भाई ये पूरा भाई इसका मेटल है एक नंबर का, आप लोग मंगाना हो तो मंगा सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और चैनल पर ना हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, अपने भाई को यार सपोर्ट करो यार। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।